मेरा ये कहना था कि अगर यूसीसी आता है तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया से हिजरत कर जाना चाहिए क्या ऐसा कुछ? ठीक है, शेख शेख बताएं। ऐसा तो अभी कोई नहीं बोल रहा है कि इंडिया से हिजरत कर जाना चाहिए यूसीसी आता है तो, ये तो कोई अलग ही कहानी हो गई। अगर तो फिर ऐसा है ना इस कि इंसान से हिजरत मतलब करने का यूसीसी का क्या ताल्लुक है? अल्लाह ताला ने हमको इंडिया में पैदा किया है, तो यहाँ के सारे जो अहले ईमान हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि जो यहाँ के अहले ईमान नहीं है उनको इस्लाम की दावत दें। हिजरत थोड़ी ना हमेशा ऑप्शन होता है। अल्लाह के नबी आप ने हिजरत क्या किया? कौन अल्लाह के आपको नबी ना करेगा? बेशक भी जैसे हिजरत थोड़ी ना कर ली, अल्लाह के नबी ने दावत दी ना भाई। मुसलमान को दावत के बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह के नबी से हम 13 साल तक के दावत देते रहे, जब बहुत मजबूर हो गए, अपनी जान माल सब कुछ अल्लाह के नबी की दांव पर लग गई, दीन पर अमल करना मुमकिन नहीं रह गया, बल्कि दीन पर अमल करके जिंदा रहना मुमकिन नहीं रह गया, तब 13 साल बाद अल्लाह के नबी ने हिजरत की। उससे पहले तो दावत की ना, क्या हमने दावत के फरीजे का हक अदा कर दिया कि हम हिजरत की बात करने लग जाए? नहीं अल्लाह के नबी ने तो दावत का जो फरीजा था उसका हक अदा कर दिया। जब ये मसला हो गया कि अब जान भी सलामत नहीं, तब हिजरत की ना। हम दावत की जिम्मेदारी तो अदा नहीं करते हैं और हमारे यहाँ एक इंतहा पसंद नजरिया हिजरत की बात करने लगता है। शेख, यहाँ पे मेरे अरे कौन कुछ सी चीज पे अमल नहीं? नमाज पढ़ने पे कोई पाबंदी है? सबसे अहम है बात, अकीदे पे कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं। नमाज पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं है। रोजा रखने पे कोई पाबंदी नहीं। किस चीज पे पाबंदी है? और ये जो इसी को फैमिली लॉ सब है इस पे कुछ जो है ना हमारे आप यहाँ जो है ना अमल भाई करेंगे, कोई पाबंदी नहीं। हिजरत क्यों करेंगे भाई? विरासत में हिस्सा दावत कोई देंगे ना, हिजरत नहीं दावत कर रहा देंगे है। ना, हिजरत क्यों नहीं करेंगे? हाँ आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोजा नहीं रख रहा है, विरासत में हिस्सा नहीं दे रहा है, इतनी सारी गलतियां कर रहा है, और अगर कुछ कानून बन रहा है यानी दूसरे लोग अगर फोर्स कर रहे हैं किसी चीज पे, तो आप कह रहे हो कि हिजरत करके चले जाएंगे। तो अमल करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हिजरत करने की क्या जरूरत है? और ये अजीब बात है ना, हमारे यहाँ कानून की तरफ से कोई बात बनती है तो लोग उसको लोग बहुत मुबालगा करते हैं, अमली सतह भी जो कोताही है उस पर कोई बात ही नहीं करता। भाई हिंदुस्तान में सही क्या बात कोई ऐसा है। कानून बन गया कि आप फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते? तो कानून तो नहीं बना है, तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं जब कानून बन जाएगा फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तब हम मुखालफत करेंगे? जब कानून नहीं बना है तो कितने लोग नमाज पढ़ने वाले हैं? इस हिंदुस्तान में कानून तो नहीं बन गया कि आपको सूद खाना ही है, तो कितने लोग हैं जो सूद से बचने वाले हैं? जब कानून कोई बन जाता है तो लोग उसको इतना मुबालगा आमेज अंदाज में पेश करते हैं कि अब तो हिजरत वाजिब हो गई। और भाई जब कानून नहीं बना तो जिस पे कानून नहीं बना उस पे ही कौन सा हमारा दीन का बहुत अमल है अपने? ये तो बल्कि इस तरह की चीजें तो हमारी अपनी अमली कोताहियों के वजह से उसके नतीजे में अल्लाह का अजाब है जो हमारे सरों पे मुसल्लत होता है। तो हमको अपनी इसलाह करनी चाहिए, तो बजाय अपनी इसलाह के हम हिजरत की बात करते हैं। असली हिजरत वो है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन। महाजिर वो है जो उस चीज को छोड़ दे जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। तो अभी इस वक्त इस हिजरत की जरूरत है कि उस चीज को छोड़ो जिसको अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ताला की तरफ पलटो। अल्लाह ताला की तरफ पलटोगे तो हर मसला हल होगा, सियासी अदालती सारे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी बिल्कुल कानून नहीं सही, बना है तो भी मसाइल ये कोर्ट में लेके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट में क्यों ले जाते हैं भाई? अभी कोई कानून नहीं बना ना, तलाक का मसला, विरासत का मसला, ये खुद मुसलमान लेके कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो उसकी शेख इस्लाह की एक जरूरत है ना।